हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है और मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, बिजनेस कोच हूँ और हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ आज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, ये जो कोर्स है इसके बारे में। ये जो वर्कशॉप है उसमें एक माइंड क्या है, मतलब माइंड का स्ट्रक्चर क्या है और माइंड कैसे काम करता है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। होता क्या है कि बाहर वातावरण में घटनाएं होती रहती है। जो भी घटनाएं हो रही है बाहर वातावरण में, वो हम हमारे फाइव सेंसेस से अंदर देखते हैं। फाइव सेंसेस मतलब कौन से? तो आंखें, विजन, फिर ऑडिटरी मतलब सुनना, काइनेस्थेटिक मतलब टच करना, गस्टेटरी मतलब टेस्ट, जीवा, और ऑल्फैक्टरी मतलब सूंघना, स्मेल। जैसे वातावरण में जो भी कुछ हो रहा है उसका जो पूरा परसेप्शन है, वो परसेप्शन अंदर जाता है ये पांच सेंसेस के माध्यम से। अभी हमारा मन कैसे बना हुआ है? हमारा मन बना हुआ है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, या उसको हम अनकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं। तो कॉन्शियस माइंड जो है वो 10% है और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 90% है। अभी होता क्या है कि कॉन्शियस माइंड ये एक पहरेदार है, वो सबकॉन्शियस माइंड तक सब चीजें जाने देता नहीं। अभी जो भी कुछ वातावरण में हो रहा है उसको समझो, हमने बोला कि वो इवेंट है, परसेप्शन है या घटना है, वातावरण में जो भी कुछ हो रहा है, तो उसका पूरा का पूरा अंदर जाएगा नहीं। उसमें क्या होगा, उसमें कोई उसमें से निकाल दिया जाएगा, मतलब गला दिया जाएगा या डिलीट किया जाएगा। फिर दूसरा उसको डिस्टॉर्ट करके अंदर जाएगा, डिस्टॉर्शन मतलब तोड़ मरोड़ के अंदर जाएगा। फिर तीसरा है उसको जनरलाइज करके जाएगा, मतलब हुआ थोड़ा सा मगर हमने उसका बहुत बड़ा कर दिया, मतलब हम बोलते जैसा मिर्च मसाला डाल के बहुत बड़ा कर दिया। और फिर ये जो अभी अंदर जा रहा है इसमें तीन ऐसे फिल्टर लगे हुए हैं, डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन, और ये तीन फिल्टर के ऊपर और अलग अलग जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है वो उसको उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। वो कौन से पास्ट एक्सपीरियंसेस है? वो पास्ट एक्सपीरियंसेस है एक तो आपका पिछला अनुभव जिंदगी का, नंबर वन पास्ट। दूसरा अपना बिलीफ कि आपके आपकी धारणा है कौन सी, आपका विश्वास क्या है। फिर तीसरा है आपके डिसीजंस इन द पास्ट, आपने कौन से निर्णय लिए। चौथा है मेमोरी पिछली, और इतना सारा इतने साल का अनुभव, ये सब उसके ऊपर प्रभाव डालता है। और जो भी कुछ अंदर जाता है वो जैसा हम देख रहे हैं वैसा अंदर जाता नहीं है। समझो जो बाहर घटना हो रही है उसको हमने समझो बोला कि वो इवन है। अभी अंदर जो उसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो इवन का जैसा इवन नहीं होगा, अंदर वो कुछ तभी अलग होगा। मतलब इसका एग्जाम्पल देना है तो मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं कि भाई मैं इधर से जा रहा हूं, उधर से कोई व्यक्ति आ रहा है, मैंने उसको नमस्ते किया, उसने नमस्ते नहीं किया, वो उधर देख के चले गया। घटना क्या हुई कि मैंने उसको नमस्ते किया, उसने मुझे नमस्ते नहीं किया। अभी ये जो परसेप्शन है ये ऐसा का ऐसा अंदर जाएगा नहीं, ये मेरा एक बिलीफ करके अंदर जाके बैठेगा, ये E2 करके अंदर जाके बैठेगा। और वो अंदर कैसा जाएगा कि ये व्यक्ति जो जा रहा है ये मेरा आदर करता नहीं है, ये मुझे मानता नहीं है, इसने मेरा बेख्याल किया, ऐसा करके अंदर जाएगा। हालांकि हुआ क्या है, हुआ यह है कि वो शायद हो सकता है कि अपने अपने दिमाग के विचारों में होगा, उसका ख्याल नहीं होगा, आपने नमस्ते किया होगा उसका ख्याल और कहीं होगा और इसलिए उसने नमस्ते नहीं किया होगा। तो इस तरह का जो है वो अंदर E2 में जाता है, और E2 जब अंदर जाता है E2 तो E2 मतलब उसका प्रतिमा, वो जो बाहर इवन हुआ है उसकी प्रतिमा E2 अंदर जाती है, और फिर वहां से हमारी बनती है फिजियोलॉजिकल स्टेट। फिजियोलॉजिकल स्टेट मतलब शरीर की अवस्था। हम जो E2 जो है उसको हम बोलते हैं पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, PIR। जो E2 अंदर हुआ है, जो प्रतिमा अंदर बैठ जाके मतलब अंदर जाके बैठी हुई है वो हम बोलते हैं कि PIR। तो PIR जो है उससे हमको
तैयार होती है, उससे हमको मिलती है हमारी शारीरिक धारणाएं या शरीर की अवस्था, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल स्टेट। वहां से हमको मिलती है मेंटल स्टेट, मानसिक अवस्था, मतलब PIR प्लस फिजियोलॉजिकल स्टेट शारीरिक अवस्था, ये दोनों मिला के हमको देती है मानसिक अवस्था। और मानसिक अवस्था से हमारा होता है बिहेवियर, वर्तणुक, हमारा बर्ताव, और वो बर्ताव से फिर आते हैं रिजल्ट्स। बर्ताव मतलब एक्शन। तो हमको यदि रिजल्ट अच्छे चाहिए, एक्शन अच्छे चाहिए, तो हमको कहां परिणाम करना पड़ेगा, हमारा जो E2 है और वो फिजियोलॉजिकल स्टेट है वहां परिणाम करना पड़ेगा, तो हमारा रिजल्ट अलग से आएगा। तो NLP में ये होता है कि अलग 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 टेक्निक्स है, वो टेक्निक के माध्यम से हम हमारा जो अंदर की प्रतिमा है, क्योंकि वो सब डिसाइडिंग फैक्टर है अंदर की प्रतिमा, तो वो अंदर की प्रतिमा के ऊपर प्रभाव डालते हैं, और अंदर की प्रतिमा के ऊपर प्रभाव डाल के हम हमारा रिजल्ट पास करते हैं। आगे मेरे काफी NLP के वीडियो आएंगे, और वो वीडियो आप देख के, मेरा मकसद यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतलब जानकारी होना चाहिए। मेरे वर्कशॉप लोग नहीं कर सकते, वर्कशॉप मेरे नागपुर, मुंबई, पुणे होते रहते हैं, अकोला में होते रहते हैं, नहीं आ सकते। मेरा मकसद है कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी हो, और उसकी जो समस्या है वो समस्या वो हल कर सके। तो आप मेरे वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, और भी NLP के वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हमारे वेबसाइट को विजिट करो, फेसबुक को लाइक करो, फेसबुक पेज को लाइक करो। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय।